1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजीकृत किए जाने का आदेश जारी किया था। पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया और खास तौर पर भारत के साथ व्यापार के लिए कंपनी को गठित किया गया था, जिस पर उस दौरान स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिपत्य था। समय के साथ कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार का काम भी शुरू कर दिया था। शुरुआती दशकों में पूर्वी एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने के बाद ब्रिटानी सरकार की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और चीन में अपनी पैठ जमानी शुरू की। कंपनी को अपने व्यापार में एकाधिकार था और समय के साथ उसने राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक वो ब्रिटानी सरकार के एजेंट के तौर पर भारत में काम करती रही, लेकिन 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद इस कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया और ब्रिटानी सरकार ने भारत के संचालन का काम सीधे अपने हाथों में ले लिया था। 1827 में आज ही दिन माचिस का आविष्कार हुआ था। इसे ब्रिटेन के आविष्कारक जॉन वॉकर ने बनाया था, लेकिन जॉन वॉकर ने जो माचिस बनाई थी वह बहुत ही कठिनाई से जलती थी और प्रयोग करने के लिए इससे अनेक खतरे रहते थे। इसी कारण माचिस को बेहतर स्थिति में लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। यहां तक कि 1855 में स्वीडन के ट्यूबकर ने दो रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही माचिस बनाई। और 1929 में आज ही के दिन मध्यरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अधिवेशन में पहली बार तिरंगा भी फहराया गया। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उस बैठक में उपस्थित लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अंकित करने की शपथ ली थी, ताकि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। लाहौर अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे भारत से अनेक भारतीय राजनीतिक दलों और भारतीय क्रांतिकारियों ने सम्मान और गर्व सहित इस दिन को मनाने के प्रति एकता दिखाई। 1964 में आज ही के दिन डोनाल्ड कैंबेल ने अपनी स्पीड बोट को सबसे तेज गति से पानी में दौड़ाकर विश्व कीर्तिमान बनाया था। उन्होंने 444.71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोट दौड़ाई और उस वर्ष का दुनिया में पानी पर सबसे तेज गति से चलने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। एक ही वर्ष में पानी और जमीन पर सबसे तेज गति से वाहन दौड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले शख्स थे और इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने जमीन पर 648.72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई थी। इससे पहले पानी पर सबसे तेज गति से स्पीड बोट चलाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया था। इसके बाद वर्ष 1967 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्पीड बोट ने 483 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार की, उसका संतुलन बिगड़ गया और स्पीड बोट हवा में उछली और पानी पर गिरते ही ध्वस्त हो गई, जिसमें डोनाल्ड कैंबेल की मौके पर ही मौत हो गई थी।